अम्ब की जय, दुर्गा भवानी मात की जय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ दुर्गा के नौ रूपों में द्वितीय रूप जिसकी हम अभ्यर्थना करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में, जो दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है, यह ब्रह्मचारिणी का अर्थ या अभिप्राय ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपह चारिणी, तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली, तपस्यारत सदैव तपस्या में निमग्न रहने वाली, लीन रहने वाली। वेदों में भी कहा गया है कि वेदत्वम तपो ब्रह्म, अर्थात वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मा जी का जिस प्रकार से आचरण है तप करने का, उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ भी तपहचारिणी से लिया गया है, तप का आचरण करने वाली से लिया गया है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत ही भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप करने वाली माला एवं हाथ में द्वितीय, बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से साधक को सर्वत्र सिद्धियां एवं विजय की प्राप्ति होती है। जो भी साधक ईश्वर भक्ति में लीन होकर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखता है या किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धियों को हस्तगत करना चाहता है, यानी कि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम इन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी का स्तवन करना चाहिए। इनकी कृपा से ही साधक को हर प्रकार की दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, सुलभ हो सकती है, वह उन्हें सहज रूप से प्राप्त कर सकता है और उन्हें प्राप्त होती चली जाती है। समस्त प्रकार की सुख संपदाओं की प्राप्ति हेतु भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए निम्न वस्त्र का अधिक से अधिक जाप करें तो माँ उसे सभी प्रकार की वैभव संपदाओं से संपन्न कर देती है। ओम महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विशो जहि। हे महिषासुर मर्दिनी माँ, हमें सुख दे, रूप दे, जय दे, यश दे और बल दे। यह इस मंत्र का मंत्रार्थ है। भक्त के द्वारा यह कामना की जाती है और इस नवरात्रि के इस प्रदीप्त समय में, ज्वलंत समय में, जो साधक इस प्रकार इस द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्तवन करते हुए इस मंत्र का जाप करता है, उसे यथेष्ट फल की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष से समाधान।